मेरा नाम जुहैब हसन है। मेरा नाम शादमन जुम है। हमारी शादी को 5 साल हो गए और जैसा कि एक शादी के बाद एक जो उमंग होती है और एक जो चाहत होती है वो हम लोगों की भी थी। और हम लोगों ने पूना में डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया, अब नाम लेना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कोई हमको ख़ास फ़ायदा लगा नहीं और उसमें हमारे पैसे भी खूब जाते थे और ये मेडिसिन वो मेडिसिन वो लोग प्रिस्क्राइब करते थे। थोड़ा सा उसकी वजह से एक टेंशन भी रहता था, एक जैसे कि क्या है, क्या हमारे लिए स्टोर में रखा है फ्यूचर में। फिर आजकल चूँकि इतना एडवांसमेंट हो चुका है हर चीज़ में, तो कुछ लोगों ने कहा कि IVF के लिए क्यों नहीं सोचते। मेरे जहन में भी था ये कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आजकल इतना स्पेशलाइजेशन सब हो गया है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो आई वॉज स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब एंड आई सॉ दिस एड ऑफ प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर। तो मैंने उसका रिव्यू देखा और उसमें जो मुझे लगा ये कि शायद इस जगह हमारी कुछ बात बन सकती है। हालांकि पुणे में और भी सेंटर्स थे, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगा कि प्रोजेनेसिस पे ही मैं अपनी बेट लगाऊंगा। एंड एक दिन फिर मैंने डिसीजन लिया ये और मैंने अपनी वाइफ को भी कन्वे किया कि हम यहाँ जाएंगे। एंड इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम माई प्लेस, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है ये। उसके बावजूद भी मैंने इसको प्रेफर किया और सितंबर के मंथ में हमने यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया। और जैसे जैसे हमारी विजिट्स इस सेंटर में बढ़ती गई तो हमें और कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव फीलिंग हमको आना शुरू हुई। एंड इवन द स्टाफ ऑल आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी केयरिंग एंड वेरी एंगेजिंग ऑल्सो। आपको जो बात करनी है, जो पूछना, जो क्वेरीज हैं आपकी, जो डाउट्स हैं, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू डिस्कस विद यू एंड इन अ वेरी प्लेजेंट एंड अ वेरी पॉजिटिव एटमोसफेयर दे डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमको एक सुकून देती थी, एक रीअश्योरेंस देती थी कि वी हैव कम टू द राइट प्लेस। और अब 7-8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वी आर वेरी पॉजिटिव, नाउ हमको रिजल्ट भी मिला है। नाउ वी हैव अ ट्रिपलेट, मतलब कहां ऊपर वाला एक नहीं होता, कहां तीन थी उसने वो कर दिए। वी आर वेरी हैप्पी और हम लोगों को उस हिसाब से गाइडेंस भी मिल रहा है डॉक्टरों से एज वेल एज विद द स्टाफ, तो होप सो एवरीथिंग विल बी इन अ गुड वे। सो मतलब मेरा यही कहना है कि ऑल दोज कपल्स हु आर हैविंग दिस प्रॉब्लम और वो पुणे में अगर हैं या पुणे के बाहर भी हैं कहीं करीब में हैं, तो दे शुड कम हियर और यहाँ से आप मायूस नहीं लौटेंगे। कम से कम हमारा तजुर्बा तो यही है। एवरीवन, मतलब मैं सबको नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एवरीवन वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीवन वाज इन अ वेरी पॉजिटिव। जब भी हम आते थे तो बड़े एक स्माइल से, एक अच्छे से, और कभी ये नहीं लगा कि कोई टेंशन है या कोई इरिटेशन है स्टाफ को हमसे या डॉक्टर को। तो वो मैंने पहले भी कहा कि जैसे कि हर चीज़ हमारी बहुत स्मूथली होती गई, मतलब जो भी चीज़ें थी। और आज मतलब वी आर हैप्पी दैट वी मेड द राइट डिसीजन, हमने सही फैसला लिया। थैंक यू।